हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको 10th इंग्लिश रीडर के लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का लॉन्ग क्वेश्चन करैक्टर ऑफ नेल्सन मंडेला डिस्कस करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे आपको अपने क्लास से संबंधित आने वाले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं करैक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है, ड्रा करैक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। आप अच्छे से इसको तैयार कर लें, लिख कर देख लें तो आपको आसानी से अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। आंसर में हम शुरू कर सकते हैं इंट्रोडक्शन से। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह नेल्सन मंडेला की आत्मकथा से लिया गया है। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वह साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ही वॉज अ ग्रेट लीडर हु फाउट अगेंस्ट अपार्थाइड एंड इनह्यूमन प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका। वह ऐसे महान नेता थे जो रंगभेद और अमानवीय कार्यकलाप थे साउथ अफ्रीका में, उनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। सेकेंड पॉइंट है अ ट्रू पेट्रियट। नेल्सन मंडेला एक सच्चे देशभक्त थे। नेल्सन मंडेला वॉज ए ट्रू पैट्रियट, वह एक सच्चे देशभक्त थे। ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द वेल बींग ऑफ हिज कंट्री एंड इट्स पीपल। उन्होंने अपने देश की भलाई और लोगों की भलाई के लिए जीवन समर्पित कर दिया। ही वांटेड टू मेक हिज कंट्री फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग्स, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस। वह अपने देश को गरीबी, डिप्राइवेशन, अभाव, कमियाँ, सफरिंग्स, कष्टों, पीड़ाओं, जेंडर, लिंग भेद एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अन्य भेदभावों से मुक्त कराना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है लवर ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के प्रेमी। नेल्सन मंडेला वॉज अ लवर ऑफ फ्रीडम। नेल्सन मंडेला आज़ादी के प्रेमी थे। वेन ही वॉज ए चाइल्ड, जब वह बालक थे, ही थॉट, वह सोचते थे, दैट ही वॉज बॉर्न फ्री, कि वह आज़ाद पैदा हुए हैं। बट एज अ यंग मैन ही रियलाइज्ड, जब वो बड़े हुए, युवा हुए, तो उन्होंने महसूस किया, दैट इज फ्रीडम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिम, कि उनसे उनकी आज़ादी ले ली गई है, छीन ली गई है। ही मीन फ्रीडम एज लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ एंड लॉन्ग्स इट फॉर ऑल। ही मीन फ्रीडम एज लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ एंड लॉन्ग फॉर इट फॉर ऑल। आज़ादी से उनका मतलब था शान से रहना, सम्मान से रहना, और यही वह सभी के लिए चाहते थे। फोर्थ पॉइंट है अ मैन ऑफ पीस, शांत प्रिय व्यक्ति। ही वॉज अ मैन ऑफ पीस, वो शांत प्रिय व्यक्ति थे। ही लव्ड हिज एनिमी ऑल्सो, वह अपने शत्रु को भी प्यार करते थे। ही बिलीव्ड टू विन हिज अपोनेंट ऑल्सो बाई लव, वह शत्रु को भी प्यार से जीतने में भरोसा करते थे। वह कहते थे, उन्होंने कहा, ही सेड, वी शुड लर्न टू लव ईच अदर, हम एक दूसरे से प्यार करना सीखना चाहिए। बिकॉज वी ऑल आर इक्वल एंड ह्यूमन, क्योंकि हम सभी समान हैं और मनुष्य हैं। कंक्लूड कर सकते हैं इस आंसर को स्टूडेंट्स। दस वी सी दैट, इस प्रकार हम देखते हैं, नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर हु बिलीव्ड इन पीस, ह्यूमिनिटी, लव, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। नेल्सन मंडेला एक महान नेता थे जो शांति, ह्यूमिनिटी, मानवता, प्रेम, इक्वलिटी, समानता एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। ही वॉन्टेड टू मेक हिज कंट्री फ्री एंड प्रॉस्परस, वह अपने देश को
स्वतंत्र और संपन्न बनाना चाहते थे। ही डिवोटेड हिज लाइफ टू हिज कंट्री एंड पीपल, उन्होंने अपना जीवन अपने देश के लोगों और देश के लिए समर्पित कर दिया। आशा है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।